हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू योर चैनल द इटालियन डायरीज़ और आज का वीडियो बहुत स्पेशल है बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी इन इटली स्कॉलरशिप जो प्रोवाइडेड है बाय एम का कॉल ओपन हो चुका है इसकी डेडलाइन है नाइन्थ ऑफ जून 2023 और इस स्कॉलरशिप में कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे पता है आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है और प्लस कोई भी मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है और ये भी बात मुझे पता है आपको अच्छी लगती है इसलिए वीडियो के स्टार्टिंग में बता रही हूँ सो so, ये जो स्कॉलरशिप है दिस इज़ फॉर मास्टर्स डिग्री स्टूडेंट पीएचडी स्टूडेंट्स एंड अदर स्टूडेंट जो कि स्पेसिफिक ये कैटेगरीज में आती हैं बट ये स्कॉलरशिप बैचलर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है और मेडिसिन एंड सर्जरी स्टूडेंट के लिए नहीं है ये लेकिन रीजनल वाला स्कॉलरशिप आपके लिए है ये जो स्कॉलरशिप है ये इटालियन गवर्नमेंट देती है ये स्कॉलरशिप में जो बेनिफिट है ना लाइक नाइन हंड्रेड यूरो पर मंथ है इंश्योरेंस आपको मिलेगी साथ साथ आपकी ट्यूशन फीस भी माफ हो जाएगी एंड सेम फॉर पी एच डी स्टूडेंट अप्लाई कैसे करना है स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए ऑफकोर्स आपका सी लगेगा आपका जो फाइनल डिप्लोमा है डिग्री होगी वो आपकी लगेगी और इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट जैसा मैंने आपको बताया आपको नहीं देना है लेकिन अगर आपने अपनी प्रीवियस एजुकेशन आपने अगर इंग्लिश लैंग्वेज में की है तब और आपको एक लेटर लेना पड़ेगा जिसको हम मोस्टली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं जिसमें यह चीज़ लिखी हुई होगी कि आपने जो अपनी स्टडी की है बैचलर्स की वो आपने इंग्लिश लैंग्वेज में की है और आपने जो एग्जाम दिया है वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में दिया है ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको अपने इंस्टीट्यूट से लेना है जाकर के और बेनिफिट की बात तो इस स्कॉलरशिप में आपको मिलेगी पर मंथ 900 हंड्रेड ओके फ्रॉम नाइन मंथ टू ट्वेल्व मंथ जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना आपको 900 हंड्रेड पर मंथ ऐसे ये आपको क्वार्टरली बेसिस पे मिलेंगे सेकेंड ईयर में स्कॉलरशिप को रिन्यू करने के लिए दैट इज़ कंटिन्यू करने के लिए आपको यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो पास पास करने पड़ेंगे और ये भी हो सकता है कुछ मिनिमम मार्क्स वो बता दें कि उस मिनिमम मार्क्स से आपको पास करना है uh, क्या ये बहुत डिफिकल्ट रहता है नहीं ये बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं रहता है अगर आपने स्टार्टिंग से ही like, लाइक ऐसा प्लान करके चल रहे हैं कि आपको इतनी सब्जेक्ट्स देने हैं और कोई ऐसा सब्जेक्ट्स लो जो थोड़े ज़्यादा इजी पढ़ें क्योंकि जब इनिशियल फेज में आप आते हो स्टडी करने के लिए तो थोड़ा कुछ मंथ लग जाता है आपको सेटल होने के लिए प्रोफेसर के यू नो माइंडसेट को अंडरस्टैंड करने के लिए पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए नाउ सेकंड बेनिफिट ये है कि आपको कोई भी ट्यूशन फीस नहीं देना है यानी कि ट्यूशन फीस पूरी जीरो हो जाएगी राइट लिटरली जीरो हो जाएगी लेकिन आपको टैक्स देना पड़ेगा रीजनल टैक्स जो कि आता है अराउंड वन यूरो और स्टैंप ड्यूटी होती है सिक्सटीन यूरो की सो so, ये अमाउंट बस आपको पे करना पड़ेगा थर्ड एंड लास्ट बेनिफिट ये है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस में मिलेगा लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको यहाँ पे आना है तो आपको एक इंश्योरेंस भी शो करना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट्स में तो आपको ये स्कॉलरशिप के थ्रू इंश्योरेंस भी दिया जाएगा ग्रेट इस स्कॉलरशिप की एक एलिजिबिलिटी है दैट इज एज रिक्वायरमेंट है कि आपकी एज 28 इयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए बाय द डेडलाइन ऑफ द कॉल ओके सेकंड पीएचडी स्टूडेंट वालों के लिए जो एज की लिमिट है दैट इज 30 इयर्स सो so 30 इयर्स से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए टिल द डेडलाइन ऑफ दिस कॉल सो so, स्कॉलरशिप की इनकम्पैटिबिलिटी क्या है इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स कि अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है तो कौन सी दूसरी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो लेकिन बेनिफिट्स नहीं ले सकते हो दैट इज द रीजनल स्कॉलरशिप वाली स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स आप नहीं ले सकते हो अप्लाई आप कर सकते हो लेकिन उसका भी बेनिफिट नहीं ले सकते हो आप एक ही का बेनिफिट ले सकते हो इधर रीजनल स्कॉलरशिप या फिर Uh, ये स्टडी निकली कि एम ए ई सी आई स्कॉलरशिप बट एक चीज़ अच्छी है कि ये स्कॉलरशिप कंपेटेबल है इरास्मस एंड इरास्मस प्लस के लिए ओके लाइक आप अगर एक सेमेस्टर या दो सेमेस्टर दूसरी कंट्री में आप यू नो स्पेंड करना चाहते हैं जो 900 यूरो आपको मिलते हैं वो आपको मिलते रहेंगे दैट्स इट ये क्लियर हो गया सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिटालियन डायरी